हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे हैं, आज ये डिजाइन का ड्राफ्टिंग पैटर्न में सिखाऊंगा। फ्रेंड, मैंने स्टिचिंग नहीं दिखाऊंगा इसमें, ड्राफ्टिंग पैटर्न और साथ ही साथ कुछ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आज हम सिखाएंगे एसिमेट्रिकल कुर्ती। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इस जगह में एक कुर्ती का जो ड्राफ्टिंग वो दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा बता दूं क्योंकि हर बार कुर्ती किस तरीके से ड्राफ्टिंग होता है वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, इसका टॉपिक्स वो नहीं है। इसमें मैंने आप लोगों को फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन इसका देते जाऊँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किलें ना हो। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक फुल लेंथ चाहिए। तो फुल लेंथ का जो फॉर्मूला है, आप एक बार अगर डायरी आपके पास अगर हो तो आप इसे लिखिए, अदरवाइज किसी के पास ना हो तो ये वीडियो को बंद कीजिए, पहले डायरी ले आइए, लिखिए, उसके बाद ये देखिए। ओके, तो फुल लेंथ के साथ जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ कीजिए। 0.75 आप लोग एक्स्ट्रा कर सकते हो, अदरवाइज 1 इंच आप लोग एक्स्ट्रा कर सकते हो, अदरवाइज 1.5 इंच कर सकते हो, अदरवाइज 2 इंच कर सकते हो। ये क्या है, मैंने 0.75 बोल रहा हूँ, 1 इंच बोल रहा हूँ, 2 इंच बोल रहा हूँ, देखिए ये आपके ऊपर है। कभी कभी हम लोग इस जगह में सिंपल सा जो पाइपिंग देते थे उसके लिए 1 इंच सही है, कभी कभी हम लोग डबल फोल्ड कर देते हैं नीचे वाला हिस्सा उसके लिए 1.5 इंच सही है, और कभी कभी हम लोग इस जगह में कुछ एक्स्ट्रा हम लोग फोल्ड करते उसके लिए 2 इंच सही है। तो आप जो चाहे आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो फुल लेंथ का फॉर्मूला वही है। उसके बाद जो शोल्डर होता है, देखिए हमारा जो बैक तो डेप्थ हो रहा है ना कुर्ती में, तो उसके लिए शोल्डर का फॉर्मूला हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच मत लीजिएगा, सिर्फ हाफ ऑफ शोल्डर आप ले लीजिए, पैटर्न में होगा। उसके बाद जो शोल्डर डाउन है, रेडीमेड करे तो 1 इंच ले लीजिए, अदरवाइज किसी कस्टमर का करे तो कस्टमर की जो शोल्डर लेने का जो मेजरमेंट का यानी कि तरीका मैंने बताया है, आप लोग वो वीडियो देखिए, शोल्डर डाउन प्रशांत को लिखिए, वो वीडियो चैनल में आ जाएगा, आप देख लीजिए। उसके बाद फ्रंट डेप बैक डेप्थ हम 2 इंच करेंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा हम 2 इंच करेंगे, और फ्रंट डेप्थ आप 6.5 अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस। ओके, उसके बाद चेस्ट लेंथ आता है। चेस्ट लेंथ हमेशा आप लोगों को मालूम है फ्रेंड, आप लोग शोल्डर डाउन के बाद से 1/4 ऑफ हाई वस्ट माइनस ऑफ 3.5 कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। और कभी कभी होता है अगर ना आए थोड़ा सा इस लाइन को, जो अंडर आर्म्स टू जो ऊपर शोल्डर टू अंडर आर्म्स जो लाइन होता है उससे हाई वस्ट का लाइन हम लोग बोलते हैं, तो वो लाइन जो होता है वो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, कभी कभी थोड़ा सा ऊँचा कर दीजिए। ओके, मगर आप लोगों को ध्यान में रहे ना, किसी भी हाल में हमें कस्टमर की जो आर्म होल वो इस जगह में लेना है। ओके, और शेप आप लोग अगर स्लीपलेस करें तो शेप मत दीजिएगा, जैसा है वैसा ही रखिए, सिर्फ ध्यान में रहे कस्टमर की जो आर्म होल है वो आना चाहिए, अगर इस जगह में थोड़ा सा लूजिंग भी आ जाए वो दिखने में अच्छा नहीं होता, बेसिकली स्लीपलेस में। उसके बाद जो हमारा इस जगह में जो होता है, जो क्रॉस पॉइंट, जो क्रॉस लेंथ होता है, वही इस जगह का बराबर होता है क्या, जो हमारा जो नॉर्मल वस्ट होता है वही मेजरमेंट हम लोग ये हाई वस्ट में यूज करेंगे। 1/4 ऑफ हाई वस्ट ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, इस जगह को करेंगे 1/4 ऑफ नॉर्मल वस्ट, कोई सीम्स नहीं लेंगे। और उसके बाद जो क्रॉस पॉइंट और टैक्स पॉइंट जिस जगह में होता है उसी तरह लेवलिंग करके हम लोग करेंगे 1/4 ऑफ नॉर्मल वस्ट प्लस हाफ इंच। देखिए, रीजन अगर मैं बताना जाऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो जितना छोटा हो मैं उसे के लिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो वेस्ट होगा, आप वेस्ट इस जगह में आप ले लीजिएगा, और वेस्ट करने से पहले आप लोगों को एक बॉडीज का मेजरमेंट चाहिए, ध्यान में रहे। आप हमेशा मैंने बोला कुर्ती हाईनेक वाला यानी कॉलर वाला कुछ ड्रेस हो तो उसके लिए जो ये वाला जो पुट होता है बड़ा पुट, उसका मिडिल से आप लोग हमेशा बॉडीज का मेजरमेंट करें बास्ट के ऊपर से, तो जैसे लेंगे उसी तरह ही बॉडीज आ जाएगा। वेस्ट का जो फॉर्मूला है 1/4 ऑफ वेस्ट आप इस जगह में प्लस हाफ इंच करिए, और उसके बाद दोनों कोना इस जगह में मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा इस जगह में शेप कर दीजिए, जैसे ही जगह में शेप कर देंगे थोड़ा सा बड़ा तो हो जाएगा ना, वही लूजिंग है। ओके, और उसके बाद वेस्ट टू हिप का एक मेजरमेंट चाहिए ताकि हमें हिप कितना दूरी तक है वो पता चले। उसके बाद इस जगह में करिए 1/4 ऑफ हिप प्लस हाफ इंच सब कर दीजिए इस जगह में, बस हो जाएगा। उसके बाद आप इस जगह में चाहे आप कटे ना कटे, कोई आपके मर्जी है, तो मैं कहूँगा आप कटिए मत। और उसके बाद इस जगह में जो एसिमेट्रिक हम लोग करेंगे तो उसके तरीका मैंने इसके बाद में दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। आप जैसे कि इसलिए मैंने हर बार इसी तरह का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर ऐसा ही दिखाइए, और स्टिचिंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट में बहुत वीडियो है। तो इसी तरह ही कुछ डिज़ाइनिंग वाला काम होता है, सिर्फ अगर ये दिखाया जाए तो हमारा सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसी तरह दिखा रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड आप लोग जब कट करेंगे ना तो इसी तरह ही कट करेंगे, अगर ऑर्डर ही हो तो इसी तरह चले जाएगा, अगर कोई रेडीमेड वाला हो तो इसी से कट कर लाइन लाइन अब कट कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने
मान रहा हूँ मैं ऑर्डर ही कर रहा हूँ, तो इसी तरह मैंने कर रहा हूँ। और उसके बाद इसी तरह ही मैंने शेप दे दिया है, ये वाला हिस्सा कर दिया है, और ये हमारा बैग वाला हिस्सा। और बैग उठाने के बाद जो सिंगल करके हम लोग सिर्फ फ्रंट पार्ट को इस जगह में शेप दे देंगे, बस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, सिंपल है। और उसके बाद जो काम करना है फ्रेंड उसे आप इसी तरह कर देंगे, ओके, ऐसे कर दें, बहुत ही सिंपल है। ये दो पार्ट है, ओके, और अपना जो फुल लेंथ है वो जैसा है आप वैसा ही रखिए। उसके बाद आप एक काम कीजिए, इसी तरह कर दीजिए, ओके फ्रेंड। तो ये होगा एसिमेट्रिक। और दूसरी बात है, आप दूसरी और एक तरीका यूज कर सकते हो, आप ये तरीका से भी आप लोग कट कर सकते हो। यानी कि मैंने इसमें तो एक ही कट करूंगा, मगर दूसरी में और एक कट करके दिखाऊंगा। मानिए ये कुर्ती वगैरह है, तो नीचे वाला जो हिस्सा जैसे सीधा रहा है, तो सीधा को आप इस तरीका से कट कर देंगे इस तरीका से, तो भी ये एसिमेट्रिक कर जाएगा। और दूसरी जो तरीका है वो है इस तरह, ओके, ये देखिए ये बड़ा और ये छोटा हो गया है हमारा एसिमेट्रिक। और दूसरी जो टेक्निक मैंने बताया है, नीचे वाला हिस्सा आप लोग इस तरीका से बटन को आप लोग कट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और इसमें बोलने की कोई कुछ नहीं रहा है इसमें, फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह हो आप लोगों को तो नीचे आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को छोटा सा मैंने दिखा, मगर फिर भी आप लोगों के इसके साथ फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है। और वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत ही कीमती है हमारे लिए। जो लोग नया इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ नीचे राइट में बेल वाला बटन की बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ आपके पास ऑटोमेटिकली चले जाएगा। और आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।